तो है हेलो गाइस, अपन लोग बात करने वाले गाइस 2023 के एंडिंग तक टॉप 5 मूवीज जो कि बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन करने का दम रखती है। तो गाइस देखो, ऐसे ही तुम्हारे पे नई नई वीडियोस तुम्हारे लिए लाता रहता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो नंबर 5 पे आती है गाइस अपनी आदि पुरुष। तो गाइस भले ही इसका ट्रेलर को लोगों ने भले ही बुरा भला कहा हो, पर गाइस देखो इस मूवी की स्टोरी लाइन है ना गाइस रामायण पे बेस्ड है, तो गाइस पब्लिक इसको देखने जाएगी और ये 1000 करोड़ से ऊपर कलेक्शन तो डेफिनेटली करेगी 101%। तो नंबर 4 पे आती है अपनी एनिमल जो कि संदीप रेड्डी वांगा के डायरेक्शन में बनने वाली है। और भाई लोग संदीप रेड्डी वांगा पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि वायलेंस किसे कहते हैं इस मूवी के अंदर अपने को देखने को मिलने वाला है। और आप इस रणबीर कपूर के 2 पोस्टर निकल के आए थे गाइस जो कि देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि एकदम इतने ज़बरदस्त है ना गाइस, इसको देख के लग रहा है कि वायलेंस सही में दिखाने वाले संदीप रेड्डी वांगा। और इस मूवी का बजट है 250 करोड़ के करीबन और बॉक्स ऑफिस पे 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन पक्का ही करेगी ये पिक्चर। तो नंबर 3 पे आती है अपनी शाहरुख खान की मच अवेटेड मूवी जवान। तो गाइस देखो इस मूवी का बजट है गाइस लगभग 250 से 300 करोड़ के बीच में और गाइस देखो ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ना गाइस सारे रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है। इसके डायरेक्टर इडली कुमार और भाई लोग इसमें SRK के साथ अल्लू अर्जुन और विजय थलापति का भी कैमियो देखने को मिलने वाला है। और भाई लोग ऐसा हो गया तो ये 1000 तो क्या पर 2000 करोड़ को भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। तो SRK की इस पिक्चर के बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है खुद के बताना जरूर। तो गाइस बात करें सेकंड नंबर की तो आती है विजय थलापति की लियो के बारे में। तो गाइस देखो लियो का बजट है गाइस लगभग 200 से 250 करोड़ के करीबन। तो लियो पिक्चर के डायरेक्टर है लोकेश कनगराज और गाइस देखो इस मूवी का कलेक्शन है 1200 से 1500 करोड़ के बीच में कंफर्म आएगा, क्योंकि विजय की मूवीज़ है ना गाइस थलापति विजय की नॉर्मल मूवीज़ भी 300-400 करोड़ कलेक्शन कर लेती है बॉक्स ऑफिस पे। तो गाइस नंबर 1 की बात की जाए तो उसका नाम है साल नहीं सलार, क्योंकि 2023 का शेर यानी प्रभास की मूवी सलार तो जिसके डायरेक्टर है प्रशांत नील सर, जो कि भाई लोग देखो KGF से कनेक्टेड इसकी स्टोरी होने वाली है। और इसमें ऐसी अपडेट आ रही थी कि इसमें रॉकी भाई का कैमियो भी देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अगर ऐसा होता है तो बॉक्स ऑफिस पर सुनामी आएगी और 2000 करोड़ से ऊपर ही कलेक्शन करेगी सलार। तो सलार पैन वर्ल्ड रिलीज होने वाली है। तो इसको लेकर अब ये थी टॉप 5 मूवीज जो कि बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से ऊपर कलेक्शन करेगी। तो तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी थी कमेंट में बताना और चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना।